मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की हत्या उनके पिताजी की होगी। कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई, मतलब शर्म को हया को कहां छोड़ा आया। क्या कहूं इस पर, मतलब क्या ही कहा जाए। आप याद करिए, बीते 6 महीनों में 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब देता दिया जाता है, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा, आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल, ईश्वर उनको संभल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कोप करना, लेकिन हम किससे सवाल पूछे। रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई, मतलब शर्म को हया को कहां छोड़ा आया। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती कहता हूं, करता हूं कि प्रधान मुख्यमंत्री जी कह दे आई क्विट। नहीं, मैं सीधी बात कहता हूं, अव्वल तो जब वो लालू जी के टर्म में उठाते थे, मैं आज भी कह रहा हूं, सार्वजनिक मंच पर कोई भी एनसीआरबी का डेटा ले आए, सार्वजनिक मंच पर एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश हुई थी उन लोगों के द्वारा जो हर संस्थान पे थे, और उनको लालू जी का उभार पच नहीं रहा था। सैकड़ों साल की सत्ता हाथ से चली गई थी, लेकिन ये सिर्फ मुकेश साहनी जी, भूतपूर्व मंत्री, हमारे सहयोगी के पिता का मामला नहीं है। एक मामला है कि कानून व्यवस्था की हालत ये, बैंक लूट जा रहा, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, आए दिन कोई जिला ऐसा नहीं है जहां ये घटना ना हो। तो मैं तो समझता हूं कि अब इस पर कोई मतलब कुछ भी किया, आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे काम नहीं आएगा, आप फेल कर चुके हैं। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। याद कीजिए, पिछले कुछ दिनों में कितनी बार ये सवाल आप पूछ चुके हैं, और हमने क्या कहा है। जम्मू संभाग में ये चीजें हो रही हैं, आज डोडा है, क्या होगा ना, उस परिवार का तो चिराग बुझ गया, उन परिवारों के। हम आज शाम तक या कल तिरंगे में लिपटा शव देखेंगे, पुष्पांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी, फिर बिसरा दिया जाएगा। और जो सीना ठोक ठोक के दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि हमने नॉर्मेलिसी बहाल कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनको कोई शर्म नहीं आएगी। सवाल उनसे कोई पूछेगा ही नहीं, सवाल पूछेगा तो एक्सपंज हो जाएगा या वो पार्लियामेंट से निकाल दिया जाएगा। हकीकत यह है कि आपकी पहलकदमियां पूरे कश्मीर जम्मू में नाकाफी है, और आपके अंदर स्वीकारोक्ति की क्षमता नहीं है। अनलेस यू एक्नॉलेज, यू वोंट बी एबल टू टेक मीनिंगफुल स्टेप्स। नहीं, मैं पाकिस्तान से जाकर सवाल पूछूं क्या, कमाल की बात हो रही है भाई, मैं किसके पास जाऊं, मेरी सरकार पाकिस्तान की सरकार है क्या, मेरी सरकार भारतवर्ष की सरकार, मैं यहां सवाल पूछूंगा। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, 370 हटते ही ये होगा वो होगा, कहां गए वो जुबानी गायब हो गई है, वो कुछ बोल ही नहीं रही, वो चुप्पी साधे हुए है। हमारा सवाल चुप्पी की संस्कृति को खत्म करने का, चुप मत रहिए, चाइना पे चुप, यहां चुप, मणिपुर पे चुप, चुप चुप चुप। गिरिराज जी को बड़ा कंपटीशन हो गया, अब तो राजस्थान में भी एक गिरिराज सिंह आ गया। अरे डेमोग्राफर का काम डेमोग्राफर को करने दीजिए ना साहब, आपके सम्मुख बहुत काम है, उनको गंभीरता से लीजिए, डेमोग्राफी आपका मसला नहीं है, बस बा जाइए। देखिए, ये दो पार्टियों का एक मसला है, जहां वो इंडिया लेवल पर नेशनल लेवल पे एक साथ हैं, लेकिन राज्यों में अलग, जैसे पंजाब में अलग अलग लड़े, दिल्ली में एक साथ लड़े, तो मैं समझता हूं कि उसके दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अरविंद जी
की तबीयत की अगर चिंता है तो उसको उपहास के दृष्टिकोण से बीजेपी भी ना करे। देखिए मैं ये मतलब ये उनका गौरव जी का कहना है, गौरव जी मैं शादी में वो गए इससे मुझको कोई दिक्कत नहीं है, जरूर जाएं, बड़े आदमी की शादी थी, हजारों लोग आए थे, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं उससे तो मुझे भी दिक्कत है, चाइना पे नहीं बोलते हैं उससे भी दिक्कत है, बेरोजगारी पर असत्य आंकड़े पेश करते हैं उससे दिक्कत है, देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का तो कोई अलग से प्रधानमंत्री होता नहीं है, ऐसी व्यवस्था है नहीं, तो हम शिकायत भी किससे करें, प्रधानमंत्री जी से ही प्रधानमंत्री जी की शिकायत करेंगे। तो इन शिकायतों को मैं समझता हूं गुड जेस्चर के तहत प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए और कोर्स करेक्शन करना चाहिए। क्या कहूं इस पर, मतलब क्या ही कहा जाए। आप याद करिए बीते 6 महीनों में 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब देता दिया जाता है, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, भुगत कौन रहा, आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल, ईश्वर उनको संभल दे, माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कोप करना, लेकिन हम किससे सवाल पूछे। रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई, मतलब शर्म को हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती कहता हूं करता हूं कि प्रधान मुख्यमंत्री जी कह दे आई क्विट। नहीं 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 नहीं, मैं सीधी की बात कहता हूं, अव्वल तो जब वो लालू जी के टर्म में उठाते थे, मैं आज भी कह रहा हूं सार्वजनिक मंच पर कोई भी एनसीआरबी का डेटा ले आए, सार्वजनिक मंच पर एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश हुई थी उन लोगों के द्वारा जो हर संस्थान पे थे, और उनको लालू जी का उभार पच नहीं रहा था, सैकड़ों साल की सत्ता हाथ से चली गई थी। लेकिन ये सिर्फ मुकेश साहनी जी, भूतपूर्व मंत्री, हमारे सहयोगी के पिता का मामला नहीं है, एक मामला है कि कानून व्यवस्था की हालत ये, बैंक लूट जा रहा, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, आए दिन कोई जिला ऐसा नहीं है जहां ये घटना ना हो। तो मैं तो समझता हूं कि अब इस पर कोई मतलब कुछ भी किया, आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे काम नहीं आएगा, आप फेल कर चुके हैं, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। याद कीजिए पिछले कुछ दिनों में कितनी बार ये सवाल आप पूछ चुके हैं, और हमने क्या कहा है, जम्मू संभाग में ये चीजें हो रही हैं, आज डोडा है, क्या होगा ना, उस परिवार का तो चिराग बुझ गया, उन परिवारों के, हम आज शाम तक या कल तिरंगे में लिपटा शव देखेंगे, पुष्पांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी, फिर बिसरा दिया जाएगा, और जो सीना ठोक ठोक के दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि हमने नॉर्मेलिसी बहाल कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनको कोई शर्म नहीं आएगी, सवाल उनसे कोई पूछेगा ही नहीं, सवाल पूछेगा तो एक्सपंज हो जाएगा या वो पार्लियामेंट से निकाल दिया जाएगा। हकीकत यह है कि आपकी पहलकदमियां पूरे कश्मीर जम्मू में नाकाफी है, और आपके अंदर स्वीकारोक्ति की क्षमता नहीं है, अनलेस यू एक्नॉलेज यू वोंट बी एबल टू टेक मीनिंगफुल स्टेप्स।